प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में बनने जा रहे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सन 1997-98 में म्यूजियम बनने के लिए लगभग 17 लाख रुपए जमा करवा दिए गए थे, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद सन 2015 और 16 में FAR बढ़ाने का मामला सामने आया, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने दोबारा 17 करोड़ रुपए की पेमेंट मांगी, जो कि जमा भी करवा दी गई, लेकिन जब कैलकुलेशन के हिसाब से देखा तो कम पैसे देने थे, जिसके बाद आर्कियोलॉजी विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाया कि हमारी पेमेंट ज्यादा हो गई है, और इसके साथ ही जब मौके पर जाकर देखा तो वहां पर 800 मीटर जगह कम थी, जिसके चलते नक्शा भी रिवाइज करना पड़ रहा है, और साथ ही जो 800 मीटर के पैसे ज्यादा गए हैं या फिर पहले पैसे ज्यादा गए थे उसके लिए डिमांड की गई है कि HSVP हमारे पैसे वापस करें। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारी प्राथमिकता आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूजियम बनाना है, जैसा कि CM साहब ने भी कहा है। देखिए, 1997-98 में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पंचकुला के अंदर बनने के लिए लगभग 17 लाख रुपए जो डिपार्टमेंट ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने HSVP को जमा करा दिए थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन 2015-16 के अंदर कोई FAR बढ़ाने का मामला आया कि उसका जो FAR है वो उसे बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण दोबारा जो पेमेंट है वो लगभग 7 करोड़ रुपए की उन्होंने 17 करोड़ रुपए की डिपार्टमेंट ने फिर दोबारा मांगी गई, जबकि कैलकुलेशन के मुताबिक वो वैल्यू कम बैठती थी। उसके पश्चात डिपार्टमेंट की तरफ से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन लगा कि ये हमारी एक्सेस पेमेंट हो गई है, और दूसरा ये था कि जब पेमेंट तो पूरी कर दी, जब ऑन द स्पॉट जाकर के फिजिकल पोजेशन लेने की बात आई वहाँ पर 800 मीटर जो है स्थान वो कम था, इसलिए वो जो हमारा नक्शा भी बना था वो भी हमें रिवाइज करना पड़ रहा है, और जो हमारे 800 मीटर के जो पैसे हैं एक्सेस गए हुए हैं या जो पहले पैसे एक्सेस गए थे वो हमने डिमांड की है कि HSVP जो है वो वापस करें। सर, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो ये लिख दिया कि आप एक बार काम शुरू कीजिए, काम शुरू हो गया लेकिन पेमेंट तो वहीं अटकी है सर। नहीं देखिए, पेमेंट सरकारी पेमेंट है, इस डिपार्टमेंट की हुई है या उस डिपार्टमेंट की, कोई प्राइवेट पेमेंट तो है नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो बनना चाहिए, ये प्राथमिकता है और जो CM साहब ने कहा है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वीर सिंह मन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही जिन शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी थी उनको भी याद करता हूं। एक बार फिर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं दिलीप चावला, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 11 नगर निगम अम्बाला से। इंडिपेंडेंट डे के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से नगरवासियों को, अम्बाला वासियों को और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हमें 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली, उसी तरह हमारे ये जो कोरोना महामारी जो विश्व भर में फैली हुई है और हमारा देश भी इसकी चपेट में है, इससे भी हमें निजात मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो मैं नगरवासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सरगर्मियाँ तेज क्या हमारे बारे में जनता जानती है, हम वादे पे विश्वास नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं। जनता ने देखा है जो हमारा पिछला कार्यकाल, कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं रहा जहाँ पर सड़कें ना बन पाई हों, हैंडपाइप ना लग पाए हों, बिजली ना पहुँचाई हो, और जनता इस बारे में खूबी जानती है। मैं जनता ने अगर पुनः मुझे चुना तो हर संभव कस्बे के लिए विकास का प्रयास करूँगा और जनता की सेवाओं के लिए 24 घंटे हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक,
दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।